26 तारीख में भी जो आप कह रहे हो कि उन्होंने कोई एक नई पार्टी बनाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप उनसे जरूर ये पूछें कि अब आपकी पार्टी का गठन हो गया और हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 जगह मेयर के चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी किसके पक्ष में वोट करवाएगी? कांग्रेस के पक्ष में कराएगी, बीजेपी के पक्ष में कराएगी, या कोई और तीसरे के पक्ष में कराएगी, या ये नोटों में जाएंगे? अगर ये नोटों में भी चले जाएंगे तो भी इनको अपनी लोकप्रियता का पता चल जाए कि तुम कितने पॉपुलर हो। अगर ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, तो इनको नोटों में जाना चाहिए। और अगर ये नोटों में नहीं जाते तो 100% आज भी जिस पार्टी का गठन वहां पे किया गया है उसमें एक पार्टी के या कोई केवल उनकी विचारधारा के लोग नहीं थे। आज वहां कांग्रेस भी थी, आज वहां बीजेपी भी थी, आज वहां हमारे जो विरोधी थे वो सारे उस मंच पे जमा थे और उन सब ने मिलकर के अपने प्रयास करके एक नई पार्टी का गठन किया है। आप देखना थोड़े ही समय में जिस पार्टी का आज गठन हुआ है उसका बिखराव भी साथ के साथ शुरू हो जाएगा। अभी जब अपने संबोधन में आपने 300 यानी सर 300 जो है वो पहले बना ली थी और ओपी चौटाला ने भंग कर दी थी, सर अब 300 जो है वो इनेलो के पास है या फिर क्या अस्तित्व क्या है सर 300 का? क्योंकि छात्र विंग हमने अपना स्टूडेंट विंग, क्योंकि 300 इसलिए हमने भंग करी, चौटाला साहब ने भंग करी थी, 300 के जब कार्यक्रम होते थे तो चौटाला साहब के पोस्टर लगते थे और उसमें लोकदल का नाम साथ लिखा जाता था INLD का, और जिस दिन उसको भंग किया तो उन्होंने दिखा दिया कि भी हम तो आपके साथ थे नहीं, हम तो केवल आपके नाम का मिसयूज करते थे। आपने देखा नहीं, जब तक 300 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ी थी, हमारे किसी भी स्टूडेंट्स के ऊपर सरकार की तरफ से ना लाठी चार्ज किया गया था, ना उनको कहीं दबाने और कुचलने की चेष्टा की गई। इसलिए नहीं कर सकती थी सरकार कि उनको पता था कि अगर इन बच्चों के साथ तुमने दबाने की चेष्टा करी, अगर इन बच्चों के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश करी तो कल INLD के तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी, सरकार को मजबूर कर देगी। जिस दिन ये हमारे से अलग हुए उसके अगले दिन देखा नहीं आपने कोई एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी बची थी जिस यूनिवर्सिटी में इनको पुलिस वाले कालर से पकड़ पकड़ के जिप्सी में डाल डाल करके नहीं ले जा रहे, लाठी चार्ज नहीं कर रहे। तो मान के चलो कि ये लोग भी तब तक ही कहीं इस दबाव में रहते थे कि ये INLD का एक पार्ट है, जब उन्होंने पार्ट मानने से इनकार कर दिया चौटाला साहब से बात करके कि उन्होंने डिक्लेयर कर रखा था कि कोई भी औरत इलेक्शन नहीं लड़ेगी, एक ऐलान भी आपने किया कि मैं इस्तीफा और संन्यास ले लूंगा। बात और क्लियर कर देता, अगर वो अपने आप को इतना पॉपुलर मानते उन्होंने अगर अपनी अलग पार्टी बनाई तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, ना कि लोगों से इस्तीफे दिलवाने की। लोगों से तो जा जाके कहते हैं तुम इस्तीफा दे जाओ, खुद इस्तीफा देते नहीं। अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो बाई इलेक्शन हो जाएगा और बाई इलेक्शन में प्रदेश के लोग इस बात का फैसला कर देंगे। मैं अब भी कहता हूं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, ना कि बारी बारी ये बात वो कहें कि हमें पार्टी से निकाल दिया, हमें मेंबरशिप पे निकाल दिया, मेंबरशिप से भी निकाल दिया। हमने तो चौटाला साहब ने तो दुष्यंत को प्राइमरी मेंबरशिप से भी निकाल रखा, उसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अब तक? इसलिए आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नाम को अपने साथ जोड़ता है। जिस आदमी को पार्टी के मेंबरशिप से निकाल दिया जाए उसको तो फिर इमीडिएटली अलग हट जाना चाहिए, उसको लोकसभा में लिख करके देना चाहिए कि मैं आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सांसद नहीं। वो ये कह रहे हैं वो लिख के दे, ये बात कहना नहीं,
कौन क्या कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा में लिख करके दो, कल शाम को ही लोकसभा की मेंबरशिप से हाथ धोने पड़ेंगे। और अभी कल ये लिख करके दो स्पीकर को कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्राइमरी मेंबर भी नहीं, इसलिए मेरी सीट जो है इनसे हटा करके दूसरी जगह ली जाए, अगर उसी वक्त मेंबरशिप ना चली जाए तो मुझे कहते हैं। ये केवल और केवल लोगों को बहकाने और बरगड़ाने का काम कर रहे हैं, खुद दोनों के दोनों जो हैं इसलिए चिपके बैठे हैं कि अगर इनकी मेंबरशिप चली गई तो जो सुविधाएं एज ए मेंबर किसी को एक्स होने के बाद मिलती है उन सबसे वंचित हो जाता है। जमानत जब्त होने की बात आप देखते नहीं, राजकुमार सैनी दुष्यंत में कोई फर्क नहीं, दोनों आज की तारीख में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राजकुमार सैनी भी तो सारा दिन यही कहता है ना, मैंने नारी पार्टी बना ली, मुझे पार्टी से निकाल दो, मुझे मेंबरशिप से हटा दो। तू खुद क्यों नहीं छोड़ देता मेंबरशिप, खुद क्यों नहीं छोड़ देते तुम पार्टी, जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत आ गई तो फिर जाओ छोड़ के दिखाओ। मुझे तो ना पहले लालच था ना आज लालच है, ये इस्तीफा देंगे तो भी एक मेंबर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरा, तो दे दे इस्तीफा, या तो इस्तीफा दे और वरना ये सारी बातें छोड़ के जहाँ मैं बैठाऊंगा उस पंक्ति में आकर के बैठना पड़ेगा, जिस सीट पे मैं कहूंगा कि सीट इसको अलॉट की जाए, इस मेंबर को यहाँ बैठाया जाए, वो वहीं बैठे तो भी इसका मतलब तो ये मान करके चलो कि उनको हाउस के अंदर मुझे अपना नेता मानना पड़ेगा, अगर वो मुझे अपना नेता नहीं मानते तो अपनी सीट अलग करवा ले। तो पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी उनके बिहेवियर पे, क्योंकि अब तो अलग पार्टी भी उन्होंने और विधायक भी, दो और विधायक भी जिनके खिलाफ एक्शन लेना था उनके खिलाफ चौटाला साहब ने एक्शन ले लिया। अब आप बारी बारी क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? ये बात है पूछ रहे, हमने जो आपकी जो यात्रा शुरू करी है जन जागरण अभियान जो शुरू किया है, हम इसको 17 तारीख तक 17 फरवरी तक 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जाकर के लोगों से मिलकर के कंप्लीट करेंगे, और क्योंकि उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ जाएगा फरवरी में 100% चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, उससे पहले हम अपनी रथ यात्रा इस यात्रा को समाप्त करेंगे और 17 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलकर के एक बड़ी रैली का आयोजन करेगी। इसलिए लोकसभा से पहले करेंगे कि उस दिन उस रैली में इतने लोग आएंगे कि वो इस बात पे मोर लगा करके जाएंगे कि अगली सरकार लोकसभा में बहन मायावती की बनेगी, हरियाणा की दस लोकसभा की सीट जीतेगी। एक आपने चैलेंज दिया जी अभी कि जमानत जब्त हो जाएगी अगर दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला जी चुनाव लड़ते हैं और जो कांग्रेस के 1500 वोट भी नहीं डलवा पाएंगे। मेरा मैसेज दे दो नमस्कार दर्शकों, मैं रीना शर्मा और आप देख रहे हैं K9 मीडिया, सच के साथ खबरें खास। सभी खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।